राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम बेवाना के 5 लोग ऐसे पलायन करके आए हैं जो यहाँ 18 साल से हैं, लेकिन उनके बच्चों का आज तक शिक्षा नहीं मिल पा रही है। मीरा देवी हैं जिन्होंने अपने गरीबी कमजोरी लाचारी ही बयान किया। आज उनके पति भी नहीं है, आज 18 साल से यहाँ हैं। मैं गायत्री, ये मेरा समुदाय। ना राशन कार्ड बना हुआ, ना लड़के पढ़े लिखे, कैसे कैसे आगे बढ़ाए हाँ। और लड़के कहाँ है ना, लड़के जब सुविधा पहले पढ़वे करिए, हम कहाँ से पढ़ा पाए। भैया खत्म हो चुका है। कितना दिन भाई दीदी? अरे उनका हो गया जान ला 9 साल खत्म। कई लड़के हैं ना अपने? 4 बेटी है, 2 बेटा। तो कैसे घर है भैया? झगड़े उगड़े चलाई थे। पढ़े ना जाते है? नहीं, राशन कार्ड ना होता सरकारी स्कूल में मास्टर ना लिखते हैं। उन्हीं का हाथ है? हाँ। पढ़े चाहत है? हाँ। हमारा परिचय संतोष कुमार, कर्मा पब्लिक के स्कूल का प्रबंधक, ग्राम बेवाना। कितना क्लास चला था हमारे यहाँ? 1 से 5 तक क्लास चलता है। कितना बच्चे होंगे हमारे यहाँ? कम से कम बच्चे हैं 200 बच्चे। अच्छा, क्या जो बच्चे छूटे हैं उनका एडमिशन हो सकता है? हमारे यहाँ जो बच्चे छूटे हैं उनका एडमिशन हो सकता है, लेकिन जुलाई सत्र से होता है, इस समय अब नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई गार्जियन चाहता है तो हम उस बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अगले सत्र से उसका एडमिशन हम ले सकते हैं जुलाई से। हाँ, एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन जो सरकारी सिस्टम है, जो नियम है, उसके अंतर्गत में अगर होंगे तो एडमिशन करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही अलग से अपना शिक्षा दे सकते हैं अपने क्लास में बैठा करके। मैं वीडियो इसलिए बनाना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो देखने वाले दर्शकों से मुझे मदद मिलेगी और मैं पलायन किए हुए बच्चों को, ताकि मैं स्कूल में एडमिशन करा सकूँ। मैं अपील करती हूँ कि स्कूल प्रबंधक संतोष कुमार के मोबाइल नंबर 97 92 95 41 41 पर कॉल करके मेरी मदद करें। मैं गायत्री, राज उत्तर प्रदेश, जनपद अम्बेडकर नगर, इंडिया, अनहड़ के लिए।